वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव MIUI एड्स, यानी कि इस फोन से अनवांटेड एड्स को कैसे हटाया जाए। दोस्तों इस फोन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स चेंज करके एडवर्टाइजमेंट काफ़ी हद तक कम किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाइए, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे आएंगे, नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे टैप करेंगे, इसके बाद फिर से नीचे नीचे जाइए, नेक्स्ट प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को डिजेबल कर दीजिए। इसे डिजेबल करने के बाद नेक्स्ट यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑप्शन को भी डिजेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एड सर्विस, एड सर्विस में जाके पर्सनलाइज्ड एड रिकमेंडेशन को भी डिजेबल कर देंगे। उसके बाद बैक आइए, नेक्स्ट ऑथोराइजेशन एंड रिव्यूगेशन पर क्लिक करेंगे। इस सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इनमें से MIUI सिस्टम ऐड यानी कि MSA सर्विस को डिजेबल कर देंगे। तो 10 सेकंड तक वेट कीजिए, इसके बाद रिवोक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स ऑफ रखने से आपके फ़ोन में से ना के बराबर डेटा कलेक्ट करेगा, और जितना कम डेटा कलेक्ट होगा उतना ही कम एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी ऐप के अंदर राइट टॉप कॉर्नर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लीनर में जाना है, फिर यहाँ से रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद बैक आइए, फिर नीचे की तरफ और एक रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको भी डिजेबल कर देंगे। दोस्तों Xiaomi का सिस्टम ऐप गेट ऐप से दिन भर बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो गेट ऐप ओपन करिए, इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले अपडेट नोटिफिकेशन एंड नंबर ऑफ अपडेट को डिजेबल कर दीजिए। इसके बाद प्राइवेसी में जाके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को भी ऑफ कर देंगे। दोस्तों इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करना है। म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करते समय कई बार ऐड दिखाए जाते हैं, इसे बंद करने के लिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स, फिर यहाँ से शो ऐड, ऑनलाइन रिकमेंडेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को डिजेबल कर दीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नेम है थीम स्टोर, नेक्स्ट थीम स्टोर ओपन करिए। इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है, नेक्स्ट यहाँ से भी शो ऐड और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को डिजेबल कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री लाइन पर क्लिक करिए, इसके बाद सेटिंग्स में जाना है, नेक्स्ट अबाउट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हमारे डिवाइस में एड्स प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मतलब एड्स आएगा लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।